फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इमेज है और आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे आप किसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड, इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आ गया हूँ फ्रेंड, और इसमें मैं एक आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने एक इमेज खोली है जिसमें एक डॉग बना है। जैसे मैं इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करूँगा तो आपको लगेगा कि ये डॉग लाइव है, कोई इमेज नहीं है। तो फ्रेंड, कैसे हम इसको इमेज टू वीडियो बनाएंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ और गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने गूगल क्रोम ओपन कर दिया है, और इसमें मैं आपको तो आपको इसमें एक वेबसाइट डालनी है जिसका नाम है runway.ml। जैसे आप ये डालेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, और इसमें आप जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी runway.ml.com। आपको इसको ओपन करना है। जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर देता हूँ तो आपके सामने भी ऐसी स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको करना है ट्राई रनवे फ्री। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, आपको ये लॉगिन आईडी पूछेगा, आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे मैं भी इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैंने रनवे ML में लॉगिन कर लिया है, आप भी इसमें लॉगिन कर लें तो आपके सामने भी ऐसी स्क्रीन आएगी। आप इसमें देखेंगे, आपके सामने थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट और स्लैश इमेज टू वीडियो। और हमें इमेज टू वीडियो चाहिए तो हम इसमें इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड देखिए, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है इमेज, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर यहाँ से अपलोड अ फाइल। अभी इमेज में है, अगर आपको इमेज डालनी तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट में क्लिक करना है। अभी मुझे इमेज डालनी है तो मैं यहाँ इमेज में क्लिक करके यहाँ से इस फाइल को अपलोड करूँगा। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और इसमें जाने के बाद जो आपकी इमेज है, जैसे मैंने अभी इसमें आपको डॉग की इमेज दिखाई थी, ये डॉग वाली इमेज, मैं इसमें क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन करता हूँ तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर ये डॉग की इमेज यहाँ पर आ गई है। अगर आपको इस डॉग को आपको लाइव दिखाना है कि जैसे डॉग वीडियो में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको जाना है मोशन ब्रश में। जैसे मैं मोशन ब्रश में क्लिक करता हूँ तो देखिए, ये डॉग की इमेज यहाँ पर आ गई है। और मोशन ब्रश में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कर्सर आ जाएगा, और आपको जिस चीज़ को लाइव करना है आपको इसमें इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से देखिए ऐसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी इसको पूरा ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए जितना पोर्शन आपको लाइव चाहिए। ये देखिए, जैसे मैंने इसको इस डॉग को मैं पूरा यहाँ सेलेक्ट करके, ये देखिए मैं ऐसे पूरा इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे मैं इस डॉग को पूरा यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए पूरा डॉग मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है। आपको इतना लाइव चाहिए तो जस्ट तो आपको इतना सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेव कर देना है। जैसे मैं यहाँ को आप देखिए सेव मैं करता हूँ, और यहाँ से जाने के बाद आप इसको यहाँ से जनरेट कर देंगे। जैसे मैं जनरेट में क्लिक करूँगा, आपकी जो इमेज है ये वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये इसने प्रोसेसिंग शुरू कर दी है। तो आप भी इस टूल से किसी भी इमेज को आप वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये अभी 21% हो गया है, और ये जैसे आपको जैसे ये पूरा होगा मैं आपको इस डॉग को दिखाता हूँ ये कैसे इमेज टू वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये बहुत अच्छा AI टूल है जिससे बहुत आसानी से किसी भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड ये देखिए, इस इमेज का इसने वीडियो बना दिया है। अब जैसे मैं इसको इस वीडियो को मैं आपको चला के दिखाऊंगा कैसे ये डॉग आपको ऐसे लगे जैसे लाइव हो गया है। और जैसे अभी आपको पता है ये एक इमेज थी खाली, और ये एक वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, ये इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो गई है। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, आप देखिए ये वीडियो कैसे चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से इमेज का इसने वीडियो बना दिया है। ऐसे आप भी किसी भी इमेज का वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।